प्रदेश के गोरखपुर सहित 23 बस स्टैंड को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसके संबंध में परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बस स्टैंड को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने जा रहे हैं, जिसमें गोरखपुर सहित कुल 23 बस स्टैंड को शामिल किया गया है। अब गोरखपुर बस स्टैंड को एयरपोर्ट की तर्ज पर सरकार विकसित करने जा रही है। 2 वर्षों के अंदर प्रदेश के 23 बस डिपो एयरपोर्ट की तरह दिखेंगे, जहां पर लोगों को खरीदारी करने के लिए मॉल होगा, ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था होगी। इसके अलावा महिलाओं को बैठने की अलग से व्यवस्था होगी। बस स्टैंड पर खाने पीने की सभी व्यवस्था होगी। लोगों को कहीं जाना हो, सभी बसें एक ही जगह से मिल जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने कहा, देखिए उत्तर प्रदेश के हम लोग बस अड्डों को हवाई अड्डा की तरह बनाने जा रहे हैं और 23 बस अड्डों का जो है निविदाएं आ चुकी हैं, उसमें गोरखपुर के भी बस अड्डा है। अब गोरखपुर के बस अड्डे को हम लोग हवाई अड्डा की तरह बनाने जा रहे हैं। इसका अब आपको आने वाले 2 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि हमारे सभी जो हमारे जो डिपो हैं वो हवाई अड्डा की तरह दिखेंगे, जहाँ पर लोगों को खरीदारी करने के लिए मॉल भी होगा, लोगों को ठहरने के लिए वहाँ पर होटल्स भी होंगे और महिलाओं को अलग से वहाँ पर बैठने के लिए, उनको आराम करने के लिए व्यवस्था होगी और खान पान से लेकर के हर जगह के लिए वहीं पर से कनेक्टिविटी रहेगी। हर चाहे आपको एयरपोर्ट जाना हो, आपको जो है रेलवे स्टेशन जाना हो या किसी भी आप जिले में जाना हो, राजधानी जाना हो, उस सब की जो है कनेक्टिविटी एक ही जगह पर आपको प्राप्त होगी।